हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करते हैं डेल्टा टी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, डेल्टा टी जैसा कि एचवीएसी इंडस्ट्री में बहुत ही फेमस वर्ड है, तो डेल्टा टी का अगर हम बेसिक मीनिंग समझना चाहेंगे तो समझने मैथमेटिकल टर्म में ये होता है कि इट्स मीन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। दैट मीन्स कि अगर इवेपरेटर लेता हूँ मैं या कंडेंसर लेता हूँ, तो उसका एक साइड का इन है, दूसरा आउट है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है और वैल्यूज़ में जो डिफरेंस आएगा, उसको ही हम डेल्टा टी कहते हैं। अब ये तो डेल्टा टी की बात हो गई, अब इसमें से गुड डेल्टा टी क्या होता है कि व्हाट इज़ ए गुड डेल्टा टी टेम्परेचर। तो जो चिलर डिज़ाइन करते हैं, जो अच्छा डेल्टा टी माना जाता है, वो 5.5 से 6 जो डेल्टा टी होता है, 6 डिग्री सेल्सियस, वो एक अच्छा डेल्टा टी माना जाता है। तो जो OEM कंपनीज है, चिलर की ट्रेन है या कैरियर है, वो डिज़ाइन करती हैं 6 डिग्री सेल्सियस पे चिलर के। इसी पैरामीटर्स से जो चिलर का ऑपरेशन टेम्परेचर आता है और डिज़ाइन टेम्परेचर है, दोनों को चेक किया जाता है कि इन दोनों में जो पैरामीटर लोअर क्या नाम है लोअर डेल्टा टी है या अपर डेल्टा टी है। तो इसका भी दो टाइप का एक्चुअली चेकिंग होता है। ये डिज़ाइन जो चेकिंग होता है वो डिपेंड करता है चिलर के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो जो गुड डेल्टा टी होगा वो 5.5 प्लस होगा, यानी कि 6 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए, जो अच्छा डेल्टा टी माना जाता है। सपोज़ कि कोई हमारा चिलर है, उसका इन आउट अगर हम टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं तो 7 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। मींस इन जो हमारा चिलर का इन टेम्परेचर होगा 13 डिग्री एंड आउट कर रहा है वो चिलर 8 डिग्री सेल्सियस। तो जो उसका डिफरेंस आ रहा है वो 7 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो इसको कहते हैं चिलर ऑपरेशन डेल्टा टी। अब चिलर का जो ऑपरेशन डेल्टा टी है वो 7 है, चिलर का डिज़ाइन जो डेल्टा टी है वो 6 डिग्री सेल्सियस है। दैट मीन के जो ऑपरेशन डेल्टा टी है वो चिलर के डिज़ाइन डेल्टा टी से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डेल्टा टी है वो अच्छा है, गुड डेल्टा टी है, अचीव किया हमारे चिलर ने, और इसकी इफ़िशियंसी भी अच्छी होगी चिलर की। जब भी डिज़ाइन डेल्टा टी से ज़्यादा हमारा ऑपरेशन डेल्टा टी होगा तो हमारा चिलर अच्छा या इफ़िशियंट माना जाएगा, मीन्स उसकी इफ़िशियंसी अच्छी है उस चिलर की। अब एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, कोई चिलर है जिसका इन टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस है, आउट वो 9 डिग्री सेल्सियस कर रहा है। तो जब उसका डेल्टा टी निकालेंगे तो 3 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो इस केस में क्या है कि जो चिलर का ऑपरेशन डेल्टा टी है वो तो 3 डिग्री सेल्सियस है, बट जो डिज़ाइन डेल्टा टी है जो चिलर का होता है वो 6 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ ऑपरेशन डेल्टा टी है जो है वो डिज़ाइन डेल्टा टी से कम है। इसका मतलब यह है कि आपके चिलर के ऑपरेशन में कुछ दिक्कत है, मींस उसका गुड डेल्टा टी अचीव नहीं हो रहा है, मींस चिलर आपका इफ़िशियंट नहीं है, उसकी इफ़िशियंसी प्रॉपर नहीं आ रही है, ये चिलर का डेल्टा टी इंडिकेट कर रहा है। अब बात करते हैं कि व्हाट डज़ हाई डेल्टा टी इंडिकेट। हाई डेल्टा टी क्या इंडिकेट करता है? तो हाई डेल्टा टी जो हमें इंडिकेट करता है चिलर के बेटर परफॉर्मेंस के बारे में। मींस अगर आपका डेल्टा टी हाई है या ज़्यादा है तो जो हमारी हीट कैपेसिटी होगी या कूलिंग कैपेसिटी होगी या चिलर की एफिशिएंसी होगी ज़्यादा होगी, मींस कूलिंग ज़्यादा होगी उस चिलर की। अगर बात करते हैं लो डेल्टा टी का क्या कारण होता है, तो लो डेल्टा टी का सिर्फ सिंपल सा रीज़न ये है कि हीट ट्रांसफ़र प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है आपके कॉइल्स में, या कॉइल में या फिल्टर में कोई गंदगी है, प्रॉपर उनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। एक और रीज़न है कंडेंसर की कॉइल का, कंडेंसर में कोरोजन का प्रॉपर होना। मींस अगर कोरोजन है, प्रॉपर हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, जो हमारा इफ़िशियंसी होती कंडेंसर की, अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो भी हमारा डेल्टा टी मेंटेन नहीं होगा। और लो डेल्टा टी का सबसे बड़ा काज ये भी होगा जो हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता हमारा कंडेंसर के थ्रू। तो ये मेन काज होते हैं, 2 से 3 काज हैं जो लो डेल्टा टी का मेन काज बनता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हाउ टू इंक्रीज द डेल्टा टी, कि किसी भी चिलर की हम इफ़िशियंसी या डेल्टा टी को कैसे इंक्रीज करें। अगर लो डेल्टा टी आ रहा है हमारे सिस्टम में या हमें अचीव हो रहा है लो डेल्टा टी, तो इस डेल्टा टी को हम मैनेज कैसे करें कि हमारा चिलर अच्छा इफ़िशियंसी दे। तो इसको मैनेज करने के लिए क्या होगा कि हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, मीन्स इंक्रीजिंग द रिटर्न टेम्परेचर, जो हमारा इवेपरेटर से वाटर आ रहा है उसमें को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा रिटर्न टेम्परेचर को और डिक्रीज करना पड़ेगा हमें सप्लाई टेम्परेचर को। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो इस केस में क्या होगा कि हमारा डेल्टा टी इंक्रीज होगा, मीन डेल्टा टी की वैल्यू अचीव होगी, डिजाइन टेम्परेचर से ज़्यादा हमारा डेल्टा टी होगा और मेकअप हो जाएगा हमारा डेल्टा टी, एक अच्छा एक गुड डेल्टा टी देखने को मिलेगा। दूसरा अगर एक रीजन बात करें तो दूसरे रीजन पे ये है कि लोअर द चिल्ड वाटर फ्लो रेट,
अगर चिल्ड वाटर का फ्लो रेट हम कम करते हैं तो इससे क्या होगा, उस हमारा हीट ट्रांसफ़र की जो इफ़िशियंसी है वो भी अच्छी होगी और इससे भी हमारा डेल्टा टी मेंटेन हो जाएगा। तो दो ही रीज़न हैं, इन दो रीज़न से हम अपने डेल्टा टी को मेंटेन कर सकते हैं। चिल्ड वाटर रिटर्न टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमें ज़्यादा डेल्टा टी अचीव होगा। तो ये था डेल्टा टी इंक्रीज करने का जो तरीका है, दो तीन तरीके थे जो मैंने बताया था। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।